तो आपको बता दें कि 14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस मिशन 2022 के लिए एक नई मुहिम छेड़ने जा रही है। क्या है ये, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस हाईकमान 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली भारत बचाओ रैली के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की भीड़ जुटाओ ताकत भी परख रही है। तो वहीं वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारते हुए उनकी जिम्मेदारी भी तय की गई है। बता दें कि रैली की कामयाबी से मिशन 2022 का एक्शन प्लान भी तय किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ करो या मरो अंदाज में महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा दिल्ली रैली की तैयारी में जुट चुकी हैं। वहीं किसी भी नए और पुराने नेता को छूट देने के मूड में नहीं है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की ओर से जिलों के लगातार दौरे किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं से अपने क्षेत्रों में भी सक्रिय रहने को कहा गया है। मीडिया इंचार्ज राजीव त्यागी का कहना है कि 14 दिसंबर की दिल्ली रैली से देश में राजनीतिक बदलाव की शुरुआत होगी और इसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका काफी अहम होगी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि भारत बचाओ रैली में भाग लेने के लिए कांग्रेस समर्थकों में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से वो ज्वलंत मुद्दों पर प्रदेश का दौरा कर रही हैं, उससे साफ साफ पता चल रहा है कि जनता का कांग्रेस के प्रति रुझान बढ़ा है और जनता कांग्रेस को प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के रूप में देख रही है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार जनहित के सभी मोर्चों पर विफल साबित हो रही है, खासकर किसानों, महिलाओं, युवाओं, व्यापारियों के मुद्दों पर बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस की तैयारी, भारत बचाओ रैली। रैली में जुटने वाली भीड़ से ताकत आंकेगी कांग्रेस। बड़े नेताओं पर भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी, निजी एजेंसी से कराई जाएगी जांच ताकि फर्जी दावे करने वालों से ना हो कंफ्यूजन। सभी क्षेत्रों और वर्गों के प्रतिनिधित्व का लक्ष्य तय किया। हाशिए पर गए नेताओं को भी मिलेगी जिम्मेदारी। पार्टी का पूरा कैडर रैली को सफल बनाने में जुटा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र मदान का कहना है कि 12 और 13 दिसंबर को पश्चिमी ऊपर के जिलों में बैठकों का सिलसिला तेज होगा। 14 दिसंबर को कांग्रेस की भारत बचाओ रैली की तैयारियां अपने शवाब पर हैं। आने वाले समय में दिल्ली और उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनावों में कांग्रेस फिर से अपनी सियासी जमीन को वापस पाना चाहती है और इस रैली के जरिए पार्टी अपनी ताकत और आंकने के साथ साथ मोदी सरकार के खिलाफ बिगुल भी फूंकेगी। राजनीति डेस्क, जनता टीवी।